स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक बिल्डिंग है जिसको कि हम लोगों ने फिगर में BC से रिप्रेजेंट किया है, और इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है जिसको कि हम लोगों ने AB से रिप्रेजेंट किया है, ज़मीन के ऊपर एक पॉइंट है जिसको हम लोगों ने D कंसीडर कर लिया है। अब इस पॉइंट से टावर के बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 45 डिग्री, और इसी पॉइंट से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री। तो क्या फाइंड करना है हम लोगों को, टावर की हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने लेट कर लिया, लेट AB इज़ द ट्रांसमिशन टावर विद हाइट h मीटर, करेक्ट है। तो हम लोगों ने यहाँ पे लेट किया है कि टावर ए बी है और इसकी हाइट एच है। अब कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस हों जहाँ पे हम लोग देखें कि दो राइट ट्राइंगल्स बनते हुए देखें हम लोगों को, तो हम लोग चेक करते हैं कि क्या उन दोनों राइट ट्राइंगल्स में कोई ऐसी साइड है जो कॉमन है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे दो राइट ट्राइंगल्स हैं, एक तो बी सी डी है, दूसरा ए सी डी है, और इन दोनों ही राइट ट्राइंगल्स में जो सी डी साइड है ये क्या है, कॉमन है, और इसकी वैल्यू हम लोगों के पास में नहीं है। तो जब हम लोगों के पास में उस कॉमन साइड की वैल्यू ना हो तो हम लोग क्या करते हैं, एक ट्राइंगल का यूज़ करके उसकी वैल्यू निकालते हैं और उसी वैल्यू को हम लोग दूसरे ट्राइंगल में यूज़ करते हैं। ठीक है, और यूजली ऐसे केस में हम लोग किस ट्राइंगल को पहले कंसिडर करते हैं, छोटे वाला ट्राइंगल। तो अभी कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, इस छोटे राइट ट्राइंगल से। सो इन राइट ट्राइंगल विच वन, इन राइट ट्राइंगल बी सी डी। ओके, तो बी सी डी ट्राइंगल में अब हम लोगों के पास में ये साइड तो है ना, और ये साइड हम लोगों को फाइंड करनी है। क्या लगा दें, टेन थीटा लगाया जा सकता है, एंगल कितना है 45 डिग्री। तो कह सकते हैं टेन 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब बी सी अपॉन बेस, बेस का मतलब सी डी। सो टेन 45 की वैल्यू होती है 1, सो दिस इक्वल टू बी सी कितना है, बी सी की लेंथ पता है हम लोगों को 20 अपॉन सी डी। अब सी डी को ट्रांसपोज कर दीजिए, 1 के साथ में मल्टीप्लाई करेगा तो सी डी कितना निकल आया, 20 मीटर। इट मीन्स अब हम लोगों के पास में सी डी की लेंथ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। अब दूसरा राइट ट्राइंगल कौन सा है, ए सी डी। अब इस ट्राइंगल में आ जाते हैं, नाउ इन राइट ट्राइंगल विच वन ए सी डी। अब हम लोग देख रहे हैं कि इस राइट ट्राइंगल ए सी डी में अब इसकी लेंथ तो हम लोग जानते हैं ना, अब कितना ये 20 मीटर है ना। ठीक, तो ये तो हम लोगों को पता है, और हम लोगों को ये वाला पार्ट निकालना है जो कि किससे रिलेटेड है, इस साइड से रिलेटेड है। क्या लगा सकते हैं तब हम लोग, दिस एंड दिस, इन दो के बीच में मीन्स परपेंडिकुलर और बेस के लिए 10 लगाया जा सकता है, और इस ट्राइंगल के लिए एंगल क्या है 60 डिग्री ना, सो 10 60 डिग्री। सो 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब ए सी, इस केस में ए सी है परपेंडिकुलर, और बेस का मतलब सी डी। अब 1060 की वैल्यू, 1060 की वैल्यू होती है रूट थ्री, दिस इक्वल टू ए सी। देखो ए सी यहाँ से यहाँ तक का लाइन सेगमेंट है ना, और इसमें ये 20 मीटर की लाइन आ जाती है और एच मीटर, इसका मतलब ए सी के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, एच प्लस 20। सो ए सी के प्लेस पे रखा एच प्लस 20, और सी डी ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड किया है कितना 20, सो यहाँ पे रख दिया 20। अब इस 20 को इधर ट्रांसपोज कर दो, मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ, तो ये हो गया 20 रूट थ्री इक्वल टू एच प्लस 20। हमें क्या चाहिए, एच की वैल्यू, तो इस 20 को भी ट्रांसपोज करते हैं, तब लिख सकते हैं 20 रूट थ्री, और इसको ट्रांसपोज किया जाएगा तो माइनस में जाएगा, एंड दिस इक्वल टू एच, या फिर इस साइड को इधर लिख दीजिए और इस साइड को इधर, 20 रूट थ्री माइनस 20, कितने टर्म्स देख रहे हैं, टू टर्म्स हैं, और दोनों टर्म्स में 20 है ना, तो 20 कॉमन ले लिया हम लोगों ने। अब 20 कॉमन ले लिया है तो यहाँ से क्या बचा गया इस टर्म में, 20 तो बाहर आ गया, तो यहाँ से रहा रूट थ्री, माइनस का साइन लगा देते हैं, 20 ऑलरेडी बाहर आ गया तो क्या बचा, 1। ठीक है, और यही क्या है, हाइट है किसकी, इस ट्रांसमिशन टावर की। देयरफॉर द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज 20 और ब्रैकेट में अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर, और यही आंसर है। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं।
फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में. टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.